सो है गाइस, वेलकम टू 4KU ब्लॉग। और हम आ चुके हैं कथा पंडाल में, जो है औरंगाबाद के शहर में। और औरंगाबाद के शहर में यहाँ पर देख सकते हैं काफी भीड़ है यहाँ पर, और भीड़ जमा हो चुकी है एकदम से। और भीड़ का आज प्रथम दिन है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कथा प्रारंभ होने से पूर्व इतनी भीड़ हो चुकी है और भीड़ की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि आज हम यहाँ पर कथा पंडाल में बड़ी ही मशक्कत से घुस पाए हैं। और हमें देर हो चुका था, जो आप हमारे पिछले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ का पूरा आज माहौल और आज का पूरा जायजा देंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ 4KU ब्लॉग। काफ़ी भीषण गर्मी होने के बाद भी इतनी भीड़ है देख सकते हैं, जो कि शिव भक्तों में ही ये सब ताकत हो सकती है। और शिव भक्तों की ताकत आपको देखने को यहाँ पर मिल ही रहा होगा दोस्तों। देख सकते हैं शिवमय भक्ति जो हो जाता है वो यहाँ पर, इतनी दूर दूर से लोग आ सकते हैं। और कथा पंडाल में जहाँ कहीं पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। तो गाइज़, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कथा पंडाल का एरिया देख रहे हैं लगभग 400 वर्ग फुट में है, और 4000 वर्ग फुट का इधर का पंडाल है, और काफ़ी बड़ा पंडाल है दोस्तों, इसका अनुमान लगाना गलत होगा। तो गाइज़, यहाँ पर सामने है व्यासपीठ देख सकते हैं आप, और काफ़ी दूरी तक पंडाल फैला हुआ है। और गर्मी आप देखते ही होंगे, सभी के हाथों में कपड़े और बुक वगैरह है, जिससे हवा लेते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं आपको। सो गाइज, ये लोग यहीं से हैं देखिए, और काफी लेट होकर के आए हैं, जिनको पीछे बैठने मिल रहा है। आपका नाम क्या है? देवी पाटस्कर। कहाँ रहते हो आप? औरंगाबाद में। कैसा लग रहा है यहाँ कथा हो रही? तो कथा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ छाए हैं वहाँ वहाँ लोग बैठे हुए हैं। आज तो इतनी आज पहला दिन है, आप कहाँ से आए हैं? यहाँ से, औरंगाबाद से। औरंगाबाद से हो? कैसा लग रहा है यहाँ पर कथा होने पर? अच्छा। कथा का आयोजन किया गया है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हुआ था ये, अभी हम छत्तीसगढ़ से। मालूम नहीं था ये कार्यक्रम यह होगा करके, पर बहुत नसीब से आया। अभी अकोला गए थे आप? अकोला नहीं गए हम, जितने दूर जाने को इतनी पब्लिक। मालेगांव गए थे, परभनी गए थे। मालेगांव परभनी गए थे। अभी हम अकोला का भी कथा कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ का भी हुआ है, अब यहाँ पर औरंगाबाद में कर रहे हैं। नेपाल हमारा जाना नहीं हो पाया था, तो हम यहाँ पर आज पहला दिन है। पब्लिक है आज पहला दिन, जो टारगेट मतलब क्रॉस हो गया है, क्रॉस हो गया है। अभी सात दिन जाने का है, और भी भीड़ बढ़ सकती है यहाँ पे, जगह पूरेंगी नहीं। तो काफी दूर दूर से लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। चलिए ठीक है, तो रात भर यहाँ पर पंडाल में भी लोग रहेंगे, जहाँ से आए हैं बाहर से, जैसा कि सभी जगह पर रहते हैं वैसा यहाँ पर भी रहेंगे। चलो, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते।